हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई फिनोल एनिलीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड का सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो 17 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सभी में आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो सबसे पहले देखिए पीएच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच ईस्टर है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HNO3/H2SO4, मतलब नाइट्रेशन करवा रहे हैं। और हिंट दे दिया है कि मोनो नाइट्रेशन, मतलब एक NO2 ग्रुप अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा नाइट्रेशन में, NO2+इलेक्ट्रोफाइल, तो बेंजीन रिंग दो है, किस पे NO2 ग्रुप अटैच होगा पहले तो ये डिसाइड करना होगा। तो ये एक्चुअली में सी डबल बॉन्ड ओ और ओ है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता है। तो ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये जो सर्कल है ये इस तरह से डबल बॉन्ड रहेगा, तो पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन में है तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ। क्यों? क्योंकि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन का डिक्रीज हो जाएगा। और इस केस में इस सर्किल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, सर्किल हटा दीजिए, तो पाई सिग्मा लोन पेयर, लोन पेयर है तो ये इस तरह से कंजुगेशन करेगा, तो कंजुगेशन करेगा तो ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो बेंजीन रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब निगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा टेंडेंसी रखेगा अटैक करने का। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंस बेंजीन रिंग है, मतलब इस पर अटैक होगा। और ये कंजुगेशन करेगा तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थो और पारा पोजिशन पे NO2 लगेगा, लेकिन पारा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ऑर्थो के केस में ये पूरा ग्रुप और NO2 के बीच में रिपल्सन होगा, तो इसके पारा पोजीशन से NO2 लगा दीजिए, बाकी सारा एजिटिज रहेगा। तो इस तरह से बेंजीन, उसके बाद COO, फिर बेंजीन, और इसके पारा पोजीशन से NO2, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा ए में। यहाँ से NO2 अटैच कर दीजिए पारा पोजीशन से मोनोनाइट्रेशन में। इसके बाद सेकेंड, तो इसमें बेंजीन से फ्लोरीन अटैच्ड है और NO2 अटैच्ड है, तो फ्लोरीन कंजुगेशन में रहेगा, ये जो लोन पेयर रहता है बेंजीन के साथ, तो NaOCH3CH3O-। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कंजुगेशन में है तो SNO1 या SN2 तो नहीं होगा, लेकिन पारा पोजिशन पे NO2 है तो SN2 को फेवरेबल करेगा, तो SN2 को फेवरेबल करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2Ar, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, SN1 एंड SN2 नहीं होगा, तो OCH3 अटैक करता है और F- बाहर जाता है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसी के लिए हीट दिया हुआ है, क्योंकि ये जब अटैक करेगा तो F- रिलीज होना नहीं चाहेगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, तो हीट करेंगे तो ये ब्रेक कर जाता है, मतलब रिएक्शन हो जाता है, तो यहाँ से F जाएगा और OCH3 अटैच हो जाता है OCH3, और पारा पोजिशन पे NO2 ग्रुप पहले से ही था तो ये तो रहेगा ही, तो इसमें SN2Ar मैकेनिज्म फॉलो हो रहा। नेक्स्ट, इसका रिएक्शन Br2/Fe1 है, तो फिर से ब्रोमिनेशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन दो बेंजीन रिंग है, तो कौन से बेंजीन रिंग से अटैच होगा? तो यहाँ पर फिर देखिए पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, तो कंजुगेशन में है तो ये तो माइनस एम शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इस केस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो ये प्लस एम करेगा, तो इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जैसे फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में सी डबल बॉन्ड ओ था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे भी इसी तरह से, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पे भी सेम होगा, इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, मतलब ब्रोमीन जो है इस वाले बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। अब फिर से ये प्लस एम शो करेगा तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिव, लेकिन पारा वाला मेजर होगा, क्योंकि ऑर्थो पोजिशन पे Br जो लगेगा इन दो ग्रुप में बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, तो मेजर प्रोडक्ट आपका पारा पे लगेगा। डायग्राम क्यों बना रहा है फिर से, इसी में आप पारा पोजिशन पे ब्रोमीन अटैच करवा दीजिए, तो यहाँ से Br अटैच करवा दीजिए, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे इसी में NO2 अटैच हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन फिनोल इज रिएक्टेड विथ CHCl3 एंड NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन सेलिसल डिहाइड इज ऑब्टेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इन्वॉल्व इन द अबव मेंशन्ड रिएक्शन एज इंटरमीडिएट। तो फिनोल
PHOH, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं CHCl3 प्लस KOH से, प्लस KOH। तो ये रिमर्टिमान फॉर्मिलेशन है जिसमें कि CHO ग्रुप यहाँ पे लगता है ऑर्थो और पारा पोजिशन पे, लेकिन ऑर्थो वाला मेजर होगा। और बोल भी रहा है कि सिर्फ सेलिसल डिहाइड बनता है, तो सेलिसल डिहाइड बनाने में कौन कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है, मतलब यहाँ से OH और ऑर्थो पोजिशन से CHO बनेगा। तो आप इसका मैकेनिज्म फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले फिनोल जो है बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो फिनोक्साइड आयन बनाएगा O माइनस, इस तरह से। और आपको पता होगा कि CHCl3 जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो CCl2 इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया यहाँ बेंजीन रिंग, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इस तरह से ये रिंग यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन अपना निगेटिव चार्ज या कंजुगेशन में है, तो आपका इस तरह से इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एज इट इज रहेगा, और यहाँ से CCl2- अटैच होगा। और ऑक्सीजन जो है जब कंजुगेशन किया तो O माइनस से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी रहता है। अब ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट बना है, मतलब इंटरमीडिएट जो है, तो ये एरोमेटिसिटी के लिए एस प्लस रिलीज करता है, और ये एस प्लस रिलीज करेगा और ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट करेगा, और ये एस प्लस एक्सेप्ट कर लेता है तो CHCl2 बनाता है, और यहाँ डबल बॉन्ड आता है तो फिर से ये O माइनस बना लेता है। यहाँ पे और यहाँ पे तो पहले से था एच प्लस रिलीज किया एरोमेटिसिटी रिटर्न के लिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा ये डबल बॉन्ड इस तरह से ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, और CCl2- ये एच प्लस को एक्सेप्ट करके CHCl2 बनाएगा। अब फिर फर्दर SN2 मैकेनिज्म होता है, मतलब OH- अटैक करता है Cl- बाहर, फिर OH- अटैक करता है Cl- बाहर, तो इस कार्बन से 2 OH अटैच हो जाता है, और एक कार्बन से 2 OH अनस्टेबल, तो -H2 होता है, तो 2 OH में से -H2 हो, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CHO लग जाता है, और एसिडिफिकेशन के बाद ये एच प्लस एक्सेप्ट करके OH बना लेता है सेलिसल्डिहाइड। तो आपका कौन कौन सा इंटरमीडिएट है, एक तो फर्स्ट वाला इंटरमीडिएट ये जो बना है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CCl2-, उसके बाद फिर सेकेंड में बोल रहा है कि CHCl2, तो यहाँ O माइनस है, OH नहीं है, क्योंकि बेस के प्रेजेंस में ये एच प्लस पहले ही रिलीज कर दिया था, तो सेकेंड नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड, तो ये नहीं होगा, इसमें देखिए दो रीजन है, एक तो ये एच प्लस रिलीज नहीं किया है, और जब ये एच प्लस रिलीज नहीं किया यहाँ पे एच प्लस कहाँ से आ गया, और दूसरा पहले ये इंटरमीडिएट से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फिनोक्साइड आयन, ये एच प्लस जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड और ये ओ माइनस बनाता है, उसके बाद ओ एच माइनस अटैक करता है तो Cl- बाहर जाता है, लेकिन यहाँ एरोमेटिक में कन्वर्ट किए बिना ही नॉन एरोमेटिक में ही SN2 मैकेनिज्म करवा रहा है, Cl- अटैक किया और सॉरी OH- अटैक किया और Cl- बाहर, तो ये नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ, तो ये वाला प्रोडक्ट तो बना ही है, जब नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हुआ तो ये अपना एच प्लस रिलीज किया और ये एक्सेप्ट किया, तो फिर से ये एरोमेटिक बना लिया ओ माइनस और यहाँ से CHCl2। फोर्थ, तो वन और फोर्थ इंटरमीडिएट बनेगा जब रिमल्टीमान फॉर्मलेशन होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर मेटा ब्रोमो आयोडो बेंजीन फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन से आपको मेटा ब्रोमो आयोडो, मतलब बेंजीन के एक दूसरे के मेटा पोजीशन से ब्रोमीन और आयोडीन अटैच करना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, नाइट्रेशन करवा दीजिए, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3/H2SO4 से रिएक्शन करवाइए। तो नाइट्रोशन सॉरी नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप अटैच होता है, तो बेंजीन से NO2 अटैच हो जाएगा। इसके बाद ब्रोमिनेशन करवा दीजिए Br2/Fe, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टिंग, मतलब मेटा पोजीशन से Br अटैच हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन करवा दीजिए नाइट्रस एसिड से, मतलब NaNO2/HCl या फिर HNO2, NaNO2/HCl बोलिए या HNO2 बोलिए, तो नाइट्रस एसिड से सॉरी नाइट्रस एसिड से पहले आपको NO2 से NH2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो Metal+H+ मतलब SN+HCl से रिएक्शन करवा दीजिए, तो ये NH2 बन जाएगा NO2 से, Metal+H+ से NO2 रिड्यूस होकर NH2 बनेगा, उसके बाद नाइट्रस एसिड से, तो नाइट्रस एसिड NH2 को N2+ में कन्वर्ट कर देता है,
तो NH2 से N2 प्लस Cl माइनस डाइजोनियम साल्ट N2 प्लस Cl माइनस बनेगा। उसके बाद इसका रिएक्शन Ki से करवा दीजिए, तो pH N2 प्लस का जब रिएक्शन करते हैं Ki से तो N2 प्लस के जगह I लग जाता है, pH I, तो यहाँ पे N2 प्लस के जगह I लग जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा मेटा ब्रोमो आयोडो बेंजीन। ब्रोमीन तो पहले से मेटा पोजीशन पे था तो वो रहेगा ही, N2 प्लस के जगह आयोडीन लग गया, यही बनाना था। तो टोटल कितना स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5, Ki से इसके बाद रिएक्शन होगा तो 5 स्टेप, 7 स्टेप से ज़्यादा में नहीं जाना था तो 5 से 6 स्टेप में हो गया आपका। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, ए कंपाउंड डी C8H10O, तो डी है कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, अपॉन ट्रीटमेंट विथ अल्केलिन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, जब इसका रिएक्शन करते हैं अल्केलिन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन मतलब I2OH- से, तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है, मतलब आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, तभी ना CHI3 प्रेसिपिटेट बनेगा येलो कलर का। द फिल्ट्रेट ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स ए व्हाइट सॉलिड ई, और इसके साथ RCOO- भी बनता है, तो ये जो फिल्ट्रेट है इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, मतलब H प्लस से रिएक्शन होता है तो RCOOH बना लेगा C7H6O2 कार्बोजाइलिक एसिड। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डी एंड ई एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ई, तो सबसे पहला पॉइंट कि डी जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, मतलब इसके पास CH3CHOH ग्रुप ओरिएंट है या फिर CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप ओरिएंट है, दोनों में से कोई एक रहेगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। C8H10O इसका DO निकालिए, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, तो 10/2, तो DO इसका आएगा 9 - 5 4। और इतना ज़्यादा DO का मतलब है कि एरोमेटिक कंपाउंड होगा, तो एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में 4 DU Bg हो गया, देखिए 4 DU Bg हो गया मतलब C डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि C डबल बॉन्ड होगा तो 1 DU इंक्रीज हो जाएगा डबल बॉन्ड के कारण, तो DU 5 होना चाहिए था, मतलब CHOSCH3 होगा, तो बेंजीन से CHOHCH3, देख लीजिए आप C8 8 कार्बन एटम है तो 6+2 8 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन 10 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 5+2 7+3 10, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेटिस्फाई हो गया। अब इसका रिएक्शन जब I2OH- से होगा तो पहले ये ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज होगा तो PHCOCH3 बनाएगा, यहाँ से H और H जाएगा तो PHCOCH3 एसीटोफिनोल। उसके बाद फर्दर आयोडोफॉर्म होता है तो ये मतलब I2OH- से ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है I2, इसीलिए तो ये भी दे देता है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर C डबल बॉन्ड CH3 बना लेता है। तो PHCOCH3 इसका जब रिएक्शन होगा तो ये CHI3 प्लस PHCOO- बनाएगा, CHI3 प्लस PHCOO-, और जब इसका रिएक्शन होगा H प्लस एसिडिफिकेशन होगा तो ये H प्लस एक्सेप्ट करके PHCOOH बेंजोइक एसिड बनाएगा, तो E आपका बेंजोइक एसिड होगा C7H6O2, और D आपका होगा PHCHOHCH3, मतलब बेंजीन से बेंजाइलिक कार्बन से OH अटैच कर दीजिए और एक मिथाइल ग्रुप, ये आपका डी हो गया। इसका नाम होगा 1-Phenyl-Ethanol, 1-2 दो कार्बन का मेन चेन तो इथानल, और फर्स्ट से फिनाइल ग्रुप अटैच है तो 1-Phenyl-Ethanol, और डी से ई कैसे बनेगा तो वो भी बता दिए। इसका रिएक्शन जब I2OH- से होगा तो पहले ऑक्सीडेशन होके एसीटोफिनोन बनेगा, फिर आयोडोफोन होगा तो CHI3 येलो प्रेसिपिटेट प्लस PHCOO- और एसिडिफिकेशन के बाद PHCOHE। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉल स्मेलिंग कंपाउंड ऑब्टेंड व्हेन एलिनिन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। आपके पास एनिलीन है, मतलब बेंजीन से NH2 ग्रुप अटैच्ड है, 1 डिग्री एमीन है, और इसका रिएक्शन जब CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH CHCl3 प्लस KOH, तो ये कार्बाइल एमाइन टेस्ट शो करेगा, तो कार्बाइल एमाइन टेस्ट में PHNH2 से PHN CCC आइसोसाइनाइड बन जाएगा, तो बेंजीन से N CCC अटैच हो जाएगा,
यही आपका हॉल स्मेलिंग कंपाउंड होता है। इसका स्ट्रक्चर बताना था तो स्ट्रक्चर बता दिए, एनिलीन से पीएच एन ट्रिपल बॉन्ड सी बनाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईस्टर C4H8O2 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स अल्कोहल बी एज द सोल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्कोहल बी ऑन ऑक्सीडेशन विथ NaOCl फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स एसिटिक एसिड रिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी सो द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो आपके पास इस्टर है चार कार्बन एटम का, तो चार कार्बन एटम सी डबल बॉन्डो ओ, इस्टर में ये ग्रुप तो रहेगा, एक कार्बन एटम यहाँ विधि हो गया। अब तीन कार्बन एटम बचा, तो दोनों तरफ तीन कार्बन एटम अटैच करने का क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी है कि एक तरफ H हो और इधर तीन कार्बन एटम, अब तीन कार्बन एटम CH2 CH2 CH3 नॉर्मल प्रोफाइल ग्रुप। अब इसमें भी आइसो प्रोफाइल ग्रुप हो सकता है, एच सी डबल बॉन्डो ओ, यहाँ से आइसो प्रोफाइल ग्रुप इस तरह से। और एक पॉसिबिलिटी है कि इधर एक कार्बन होती इधर दो कार्बन बचेगा, तो तीसरा इस्टर पॉसिबल है सी डबल बॉन्ड ओ ओ, इधर इथाइल ग्रुप C2H5 इस तरह से H5 और इधर एक कार्बन तो CH3। तो ये तीन इस्टर है, लेकिन जब इसका रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH3MgCl से, तो एक ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनता है, सोल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मतलब एक ही अल्कोहल भी बनता है। लेकिन जब भी इस्टर का रिएक्शन CH3MgBr से होता है तो ये दो अल्कोहल बनाता है, तो जो दो अल्कोहल बनेगा ROH प्लस R-OH दोनों सेम होना चाहिए, मतलब कि सेम अल्कोहल का दो मॉलिक्यूल बनेगा, एक अल्कोहल बन रहा है भी मतलब दो अल्कोहल जो होगा वो सेम बनेगा। अब वो जो अल्कोहल बना है उसका रिएक्शन NaOCl से करवाते हैं फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो एसिटिक एसिड बनता है। NaOCl मतलब Cl2OH-, क्योंकि Cl2 बेस के साथ रिएक्शन करके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है तो Cl- बनाता है, तो Cl2OH- क्लोरोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा और बोल रहा है क्लोरोफॉर्म के बाद एसिटिक एसिड बनाएगा, क्लोरोफॉर्म के बाद एसिडिफिकेशन मतलब H+ एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि एस्टर का रिएक्शन CH3MgCl से, तो जब ये अटैक करेगा तो यहाँ CH3 और ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा तो CH3CHO बनाएगा, CH डबल बॉन्ड और CH3CH2CH2O-, ये H+ एक्सेप्ट करके प्रोपेन वन ऑल बनाएगा CH3CH2CH2OH, और ये CH3CHO जो है मिथाइल CH3- फिर फर्दर अटैक करेगा यहाँ से, तो जब ये अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड ओ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला केस में SN2TH क्योंकि एसिड डेरिवेटिव है, लेकिन उसके बाद कार्बोनिल हो गया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो CH3- न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये O-, फिर ये H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो आपके पास CH3 कार्बन से एक और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड था ये O- और ये H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो CH3CH CH3OH। तो इस केस में दो अल्कोहल बन रहा है प्रोपेन वन ओल और प्रोपेन टू ओल, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट ये इस्टर, तो इस केस में देखिए एच सी डबल बॉन्डो यहाँ से तो यही वाला बनेगा CH3CHO CH3, क्योंकि सेम बात होगा CH3- अटैक करेगा तो ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा और यहाँ से CH3, तो फिर से CH3CHO ही बनेगा, फिर CH3- अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यही वाला बनेगा। इस केस में जो लिविंग ग्रुप है CH3CH CH3O-, CH3CH CH3O-, और ये एसिडिफिकेशन H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो इस केस में दोनों अल्कोहल सेम बन रहा है तो ये हो सकता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देना चाहिए मतलब CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए, तो दोनों में CH3CHOH प्रेजेंट है। अब क्लोरोफॉर्म के बाद क्या बनाएगा, तो CHI3+CH3COO-, और ये H+ एक्सेप्ट करके CH3COOH बना लेगा एसिटिक एसिड, तो आपका जो इस्टर है ये वाला है, आप चाहे तो इसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो पहले CH3- अटैक करेगा तो यहाँ से CH3 और ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा तो C2H5OH बनाएगा। अब आप फर्दर कीजिएगा तो एक पॉइंट तो ये है कि सेम अल्कोहल नहीं बनेगा, और दूसरा पॉइंट जब क्लोरोफॉर्म होगा तो ये दो ही कार्बन है CH3CHOH CH3
CHOH और ये H है, तो ये तो CHI3 बनाएगा और ये H C डबल बॉन्ड O माइनस बनाएगा, मतलब फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ CH3 नहीं है तो एसिटिक एसिड नहीं बनेगा, तो इस तरफ भी CH3 होना चाहिए। और आप अल्कोहल बना के भी देख लीजिए, तो यहाँ से निकलेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कार्बोनिल बनेगा इस केस में। उसके बाद फर्दर CH3 माइनस से टेक करेगा तो यहाँ से एक और CH3 और ये डबल बॉन्ड से O माइनस बना लेगा और ये H प्लस एक्सेप्ट करके OH, तो एक टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है। टर्शियरी अल्कोहल तो ऐसे भी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप में, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट सॉरी क्लोरोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आपका जो इस्टर है ये वाला है H C डबल बॉन्ड O और इससे CH CH3 CH3 और अल्कोहल होगा प्रोपेन 2 और CH3 CH OH CH3। तो ए और बी दोनों का स्ट्रक्चर पता चल गया। आंसर में हम लिख दिए थे एच सी डबल बॉन्ड ओ सी थ्री एच सेवन, तो सी थ्री एच सेवन में भी दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, मतलब दो एस्टर। ये वाला भी तो सी थ्री एच सेवन ही है, तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आइसो प्रोफाइल ग्रुप अटैच्ड है ना कि नॉर्मल प्रोफाइल ग्रुप। तो ये आपका ए और बी दोनों का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।